इधर क्या होगा, जब ऐसे फीलिंग वाले क्वेश्चन, तो पहले ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला तो ना, गामा ड्रा इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल, टोटल होना चाहिए ठीक है, मास ऑफ सॉलिड ठीक है। तो यहाँ करके तो क्या करेगा, मास ऑफ सॉलिड, जब फील के केस में क्या करेगा, मास ऑफ सॉलिड दोनों केस में सेम। फिर यहाँ याद ध्यान है, गामा ड्रा इसमें ट्रिक यही कि एक में ड्राई दे रखा है ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि इस पर अटैक करेंगे, गामा ड्रा इज इक्वल टू एम सॉलिड अपॉन वी टोटल। अब एम सॉलिड दोनों में केस में तुम इक्वल करना, उससे हो जाएगा ठीक है। अब वाटर के लिए क्या, एम डब्ल्यू अपॉन एम सॉलिड। अब एम डब्ल्यू मास ऑफ वाटर के लिए एम ऑफ सॉलिड तुम निकाल लेगा आराम से, फॉर्मूला यही वाटर कंट्रोल, एम डब्ल्यू पर मास ऑफ सॉलिड। ये टोटल नहीं होता, ये टोटल मास नहीं होता, ये मास ऑफ सिर्फ सॉइल होता है, कि तुम्हारा गामा ड्राई से निकलेगा ठीक है। उसको यूज करके यहाँ पे ले आना है फॉर्मूला, पुट के फिर ऐसा एम डब्ल्यू पर गामा वाटर, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन है अगला ये देखो, क्वेश्चन में क्या देखा कि सब सॉइल है, कंस्ट्रक्शन देखा है स्क्वायर फुट 2 x 2 देखा, लोड 10,000 देखा, ये 2 x 2 है, लोड 1 डेप्थ 1 मीटर डेप्थ और बाकी चीज़ें। तो पहली चीज़ें देखो, दो चीज़ें होती है जब भी कंप्रेशन की बात हो, तो हम दो चीज़ फॉर्मूला सजा के याद रखते हैं, सी सी एस नॉट 1 + E0 होगी। अब इसमें सी सी कैसे निकालते हैं देखो, 0.009 WL-20, ये डिसिमल के अगर परसेंटेज, 0.9 WL-10, 0.9 WL-10, जिसमें WL क्या होता है परसेंटेज के टर्म आता है ठीक है, 0.9 WL-10 के आंसर सी सी आ गया ठीक है। एच नॉट हाई तुम्हारे पास, अच्छा एच नॉट क्या होता है, एच नॉट जो सिर्फ क्ले का, यहाँ देखो इसमें ये है ना क्ले, तो क्ले का टोटल हाइट होगा, तो एच नॉट क्या होगा, क्ले का टोटल हाइट होगा ठीक है, ये हो गया ठीक है। ई नॉट कैसे निकालते हो तो पता है, तो सी सी आ गया, एच नॉट क्या होगा, क्ले का टोटल हाइट, ई नॉट जो पता क्या। अब ये वाला भी आंसर है देखो, इसमें जो गामा डब्ल्यू होगा ना, गामा डब्ल्यू सॉइल का वेट होगा, सॉइल का वेट कहाँ तक है, जो भी क्ले होगा उसके मिड पॉइंट तक। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ है, पहली चीज़ ये देखो, ये गामा टोटल सेंड हो गया, गामा टोटल सेंड हो गया, ये हो गया देखो, गामा से 10 × 2 = 16 × 2 ये हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ इफेक्टिव की बात करी, यहाँ हमेशा इफेक्टिव, पहली बात ये दोनों इफेक्टिव है ठीक है। तो पहले हम क्या कहें, गामा सेंड इंटू टू हो गया, ये समझ में आ गया सॉइल का। दूसरा में क्या है, 20 × 2 20 × 2 ये देखो, 20 का इफेक्टिव 20 − 9.81 × 2 हो गया। अब इस केस में क्या है, मिड पॉइंट तक तुम्हें जाना है, मिड पॉइंट तक मतलब यहाँ इसका 19 है, तो 19 − 9.81.5 ठीक है। फिर से बोलो, सिग्मा और सिग्मा डेल्टा सिग्मा दोनों मिड पॉइंट तक हुआ ठीक है। तो इसको वैल्यू करके, सिग्मा ये क्या सॉइल का वेट हो जो परमानेंट होता है, और एक्सटर्नल लोड अलग से, एक्सटर्नल लोड कितना 1000 ये हो गया, और 1000 हो गया। अब इसका टोटल ये वाला कितना होगा, ये वाला देखो 2 + 2, अच्छा सिर्फ ये कंसिडर नहीं करना, ये प्लस ये दोनों, तो ट्वाइस ऑफ करेंगे, ये देख रहा है 2 + 2 × 0.5 × 2, तो ये आ गया 6.5। फिर से बोला लोड पता है, एरिया क्या होगा मिड पॉइंट तक का ठीक है, ट्वाइस, सिर्फ ये नहीं करना, ये और ये दोनों करना था, 2 ये हो गया 0.5 × 4.5 ये होगा, ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इसको कर दो सिग्मा ड्रेस हो गया। फिर से थोड़ा सी सी निकल गया 0.9 से, एस नॉट क्ले का होगा, सिर्फ ए नॉट प्ला लगेगा, सिग्मा ड्रेस इसको सॉइल का वेट होगा, डेल्टा सिग्मा क्या होगा स्टर्न फोर्स की वजह से होगा ठीक है। ये चीज़ याद रहेगा बस, इसमें और कुछ काम का है नहीं। अब ये देखो इस क्वेश्चन में, कॉन्क्रीट स्टिक फुटिंग ये लोकेटेड है स्ट्रेंथ 1.2 में कैरी डी दे दीजिए। पहले बात सॉइल का स्ट्रेंथ क्या है, सॉइल का स्ट्रेंथ क्या है, देखो सॉइल का स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, क्यू इक्वल 5.7 का, ये चूंकि स्ट्रिप फुटिंग मतलब बी इक्वल टू 0 होता है, यहाँ से आ गया 5.7 सी यू अपॉन डी एफ ठीक है। अब एन यू एन एस के लिए क्या करना है, इसको डिवाइड बाई एफ करके, ये फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया, ये क्यू अपॉन ये प्लस सी है ठीक है। ये एक्चुअली होता है क्या, सॉइल का स्ट्रेंथ, सॉइल का स्ट्रेंथ मतलब क्या, एक्सटर्नल लोड कंपोज निकल, सिर्फ सॉइल का स्ट्रेंथ यहाँ से निकलता है ठीक है, ये वाला फॉर्मूला से जो इस तरह जाएगी सिर्फ बॉयल करने, ये देखो सॉइल का फॉर्मूला ये, इसको तो बी से मल्टीप्लाई कर, तो उसके बी से क्यू मिनट हो गया, तो जो एक्सटर्नल लोड वो किलोग्राम पर मीटर के टर्म में ठीक है। तो क्वेश्चन में अच्छा एक ये रहा क्वेश्चन के टर्म में ठीक है, इसमें क्या देखा है, अच्छा शेयर स्ट्रेंथ अनड्रेंड, शेयर स्ट्रेंथ अनड्रेंड, अनड्रेंड सिस्टम मतलब क्या था, सी की वैल्यू देखो, एक होता है अनकम्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट वो बाई टू होता था, अनड्रेंड शेयर स्ट्रेंथ मतलब क्या, सी की वैल्यू होगी ठीक है। तो यहाँ देखो अभी ये हो गया, अब इसमें क्या 1500 एक्सटर्नल लोड है, और इसका कंक्रीट का लोड कितना होगा, 1500 ये होगा, कंक्रीट के लोड के लिए बी 25000 × बी × 1.2 ठीक है, डेप्थ इंटू बी कर रहे हैं, लेंथ का पता नहीं, डेप्थ इंटू बी कर रहे, लेंथ हम 0 मानते हैं ना, तो वो कर रहे हैं ठीक है। तो 30,000 तो 15,000 एक्सटर्नल लोड है, कंक्रीट का लोड कितना होगा, 25,000 + B, फिर से बोलो ये बढ़ता जाएगी, फिर सिर्फ सॉइल के लिए होता है ठीक है, 3,000 + 15,000 + ये हो, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से बी की वैल्यू आ गया ठीक है। अब फिर से अब बात आते हैं इस पर कंप्रेशन के लिए, कंप्रेशन के लिए पहली चीज़ याद हो कि ये एम भी एच नॉट प्लस सिग्मा सी होता है ठीक है। अब इसमें एम भी को हम क्या बोलते हैं, एम भी कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, देखो कुछ समय देखा है ना कंप्रेसिबिलिटी क्या है ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी एम भी से आ जाएगा ठीक है। तो एम भी आ गया, अब एच नॉट, एच नॉट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्ले का वो लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्ले का डेप्थ लेते हैं ठीक है। इसमें देखो लोकेटर में एक्सटेंड 1.2 इतना क्ले 6 मीटर, तो सिर्फ क्ले का थिकनेस, तो क्ले की कितनी ले रहे हैं, क्ले की वैल्यू ले रहे हैं 6, अच्छा 6 किलोमीटर में 1.2, तो ये है तुम्हारा, तो कितना बचा 4.8, तो 4.8 ये होगा, 6.6 में ये तो हो गया, तो क्ले के अलावा 4.8, तो सिर्फ क्ले का हम वो लेते हैं, तो ये 4.8 ये होगा, कंप्रेसिबिलिटी ये हो गया 4.8 हो। अब ये डेल्टा सिग्मा कैसे निकालते हैं, डेल्टा सिग्मा के लिए क्या लोगों ने, सिग्मा 1 - सिग्मा 2 क्या होता है कि सिग्मा 2 होता है सॉइल की वजह से, सॉइल की वजह से ये देखो 1.2 सॉइल की वजह से, पहली वजह से सॉइल की वजह से, दूसरे में सिग्मा और सिग्मा दोनों मिड पॉइंट होता है, 1 ये लेंगे नहीं सीपीए, देखो ये रहेगा तुम्हारा कितना हुआ, ये होगा 1.2 ये छोड़ दो,
2.4 इधर से, यहाँ से आएगा 2.4, ये होगा 1 2.4 और 1.2, तो ये हो गया तुम्हारा, मतलब सरचार्ज भी लेते, सरचार्ज तो लेते हैं ठीक है। तो ये आ गया पहला, क्या हो गया तुम्हारा, ये देखो 3.6 × 750, वैसे तो इसको फैक्ट्री लेने, बट ठीक है ऐसे कर लेते ठीक है। तो 3.6 × 750 हो गया, ये आ गया ठीक है। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरा मतलब क्या एक्सटर्नल लोड के वजह से, मतलब ये 15,000 ये हो गया, 15,000 अपॉन बी प्लस 1.2 × 2500 ये हो गया ठीक है। प्लस इसके अलावा और क्या है, ये 2.4 × 7 1750, पता नहीं क्या है, 1750 कुछ होगा, 15,000 ये हो गया, यूडीएल ये हो गया, कुछ खास नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट कितना है, कॉन्सेप्ट यही है कि तुम्हारा वो है ना एक्सटर्नल लोड डेल्टा सिग्मा वहाँ से लेते ठीक है, वो सीजन याद है ठीक है। ये क्वेश्चन करना नहीं है अब, ये भी क्वेश्चन नहीं करना अब, ये देखो ये क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, फुटिंग का ये दे रखा है, जीडल दे रखा है, एंगल ऑफ एक्सटेंशन दे रखा है, अलाउबल लोड फैक्टर 32 दे रखा है ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला होता है ठीक है। अब गामा तुमको वो करना है, इसके क्यू इक्वल टू गामा डी प्लस एन क्यू प्लस ये, इसमें क्या करा तुमने वैल्यू डाल के, हाँ याद है हमेशा ये सब ना इफेक्टिव होता है ठीक है। तो इफेक्टिव डाल के 1.04 ये आ गया, इसमें गामा डी एफ करके फिर फैक्टर 50 करके फिर फैक्टर 50 से डिवाइड करके प्लस वो ये तुम्हारे क्यू एस यहाँ आ गया ठीक है। अलाउबल के लिए क्या करते हैं, उसको बी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया आ गया ठीक है। अब अलाउबल से 50 mm सेटलमेंट लिए इतना दे रखा है इतना, तो इसका ये आ गया ठीक है। अब पूछ कह रहा है कि कितना, मतलब इसेंट्रिसिटी लोड के लिए व्हाट विल अलाउबल लोड। अब ये देखो ये क्यू जो है ना, ये क्यू क्या, सॉइल का स्ट्रेंथ है, सॉइल का स्ट्रेंथ तुमने कहाँ से निकाला, ऊपर निकाला, ये देखो 1420, तो ये सॉइल का स्ट्रेंथ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। क्यू मतलब क्या है, सॉरी सॉरी, क्यू मैक्स क्या सॉइल का स्ट्रेंथ लेंगे ठीक है। तो वो 13.73 ये हो गया ठीक है। क्यू कितना लोड है, क्यू एक्सटर्नल लोड है, क्यू ये स्ट्रेंथ है ठीक है, ये स्ट्रेंथ क्यू एक्सटर्नल लोड है, एरिया तुम्हें पता है 22 वन प्लस सी ई एक्स ये दे रखा है ठीक है। तो यहाँ डालेंगे, फिर से बोल रहा हूँ क्यू मैक्स क्या है वो ठीक है, बस इतना ही काम था इसमें। अब ये क्वेश्चन देखो एक बार, हाँ ये क्वेश्चन देखो, सॉइल डिबिलिटी ये दे रखा है, डॉयल दे रखा है, ये सब कुछ देखा, तो ये होगा ये तुम्हारे, ये वैल्यू सब दिया हुआ ठीक है। तो पहले क्या कर, इसके लिए हम गामा एफ निकाल दें, जी प्लस ए सी अपॉन 1 + e γ W, जी प्लस ए सी अपॉन गामा प्लस, ये ड्राई है तो एस की वैल्यू 0 जहाँ से ये आ गया ठीक है। फिर दूसरे इस पॉइंट के लिए जी प्लस ए सी अपॉन गामा डब्ल्यू, अगेन वो चीज़ ठीक है। इसमें क्या है, कुछ दिया नहीं हुआ तो इसको तो जी डब्ल्यू का यूज़ करेंगे, जी डब्ल्यू। अच्छा, वाटर टेबल के नीचे हमेशा क्या होगा, सॉइल सेचुरेटेड होगा, वाटर टेबल के नीचे सॉइल हमेशा फुली सेचुरेटेड होगा, तो जी प्लस ए सी यहाँ से करके तुम्हारे ये आ गया। वाटर टेबल के नीचे पहले तो याद है, पहले वाटर टेबल के नीचे सिर्फ सॉइल सॉइल पूरा सेचुरेटेड हो, और सॉइल पूरा सेचुरेटेड हो तभी हम पोर वाटर प्रेशर कंसिडर करेंगे। पहली बात, वाटर टेबल के नीचे सॉइल फुली सेचुरेटेड हो, फुली सेचुरेटेड तभी पोर वाटर प्रेशर, तो यहाँ से ये आ गया ठीक है। तो इसको डाल के ये आ गया। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, अरे क्वेश्चन तो मैंने उड़ा ही दिया, चलो कोई नहीं, वो वैल्यू डाल के उसके बाद निकाल लेना ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या है आई, अच्छा आई क्या, हाइयर माइनस लोअर अपॉन एल होता है, आई क्या होता है, हाइयर अपॉन लोअर, रिवर के पास हाइयर होगा ठीक है, रिवर के पास हाइयर होगा। तो जो कन्फाइंड हेड ऑफ कन्वर्ट टू आर रिवर विद प्रेजेंट्री 10 मीटर लोकेटेड, मतलब दूर जाओगे तो प्रेजेंट्री हेड कम होगा ठीक है। तो हाइयर माइनस ये टू वाला ये आ गया, तो तुम्हारा वी आई आ गया। वी एस क्या होता है, वी अपॉन एन होता है, इसको क्या होता है सुपरफिशियल बोलते हैं, जो कि आई निकालता है सीपेज, मतलब क्या डिवाइडेशन हुआ, तो वी एस आ गया ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ड्रा डाउन 150 के बाद, तो ये देखो 3/120 ये रहा, ड्रा डाउन तो सेम ही रहेगा, के ये रहा S2 − 12, क्योंकि 12 रिवर के पास होता है, तो ये हो गया और ये यहाँ से वैल्यू आ गई ठीक है। और ड्रा डाउन क्या होता है, ड्रा डाउन होता है डिफरेंस बिटवीन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में कितना हाइट का डिफरेंस है ठीक है, ड्रा डाउन का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू रिवर ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कि पहले बार थीटा क्या होता है, 10 vs dS डॉस ठीक है, डॉस डॉस ओ कुतुब थीटा, 10 vs dS होता है, 1 − n/θ/90 n − 1 m + m − 1 n ऊपर यहाँ से आ जाएगा ठीक है, एफिशिएंसी परसेंटेज के टर्म में आएगा ठीक है। डिस्मल टर्म, फिर से बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू टॉइन डॉस, ये हो जाएगा डॉस ठीक है, तो कुछ खास है नहीं। अभी तो ग्रेविटी वेल, पहली बात ग्रेविटी वेल होता क्या है ठीक है, हाँ देखो सबसे पहले बात ग्रेविटी वेल होता क्या, ग्रेविटी वेल पहली बात ये होता है क्या, कन्फाइंड इक्विफायर, कन्फाइंड मतलब क्या, तो पैरीमीटर यूज करेगा, फिर सॉरी अनकन्फाइंड, ग्रेविटी वेल मतलब क्या अनकन्फाइंड, अनकन्फाइंड मतलब क्या एरिया यूज करेगा ठीक है, अनकन्फाइंड और इसमें एरिया यूज करेगा ठीक है। ये देखो ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि यील्ड निकालना, तो पहले बार ड्रॉ डाउन स्पेसिफिकली क्या होता है, यील्ड पर यूनिट ड्राउन, यील्ड पर यूनिट ड्रॉ डाउन ठीक है। तो ड्रॉ डाउन थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, S = 1 मान लो ठीक है। तो अच्छा, पंपिंग नॉट स्टार्ट है, पंपिंग नॉट स्टार्ट मतलब क्या कि जो डेप्थ सेचुरेटेड डेप्थ हो रहा है ठीक है, पंपिंग नॉट स्टार्ट मतलब क्या, डेप्थ बराबर सेचुरेटेड डेप्थ ठीक है। और SW यहाँ से निकल गया सीपीएस से ठीक है। अनकन्फाइंड मतलब एरिया, एरिया में हम ड्रॉ डाउन यूज नहीं करते, हाइट यूज करते ठीक है, एरिया एरिया में हाइट यूज करते ठीक है, एरिया में हाइट यूज करते हैं, अनकन्फाइंड में ग्रेविटी अनकन्फाइंड के एग्जाम्पल ठीक है। तो देखो पाइप के डी क्या है, डे सेचुरेटेड थिकनेस यूज करते हैं, सेचुरेटेड थिकनेस जो कि नो पंपिंग के केस में डेप्थ के बराबर होगा ठीक है। यहाँ से डी आ गया, SW तो निकाल चुका है यहाँ से ठीक है।
कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, और छोटा आर क्या है, रेडियस ऑफ व्हील, रेडियस ऑफ व्हील दिया हुआ है। अब रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्वेश्चन देगा 20 गुना है यील्ड का, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में दे रहा है कि नो पंपिंग, ठीक है, अब ये देखो, हाँ ठीक है, हाँ नो पंपिंग के केस में क्या होता है, नो मतलब देख मैक्सिमम डिस्चार्ज केस में यील्ड क्या होता है, थिकनेस के बराबर, मैक्सिमम डिस्चार्ज केस में यील्ड जो होगा थिकनेस के बराबर होगा, सैचुरेटेड थिकनेस के बराबर, ठीक है। मैक्सिमम डिस्चार्ज केस में यील्ड होगा मैक्सिमम थिकनेस के बराबर, अदर केसेस में यील्ड होगा वो ड्रा डाउन के बराबर होगा। फिर से बोला, मैक्सिमम डिस्चार्ज केस में यील्ड होगा थिकनेस के बराबर, और अदर कंडीशन में यील्ड होगा ड्रा डाउन के बराबर, ठीक है। याद दोनों याद, इसको डाल के इसमें वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। डी डब्ल्यू का सैचुरेटेड थिकनेस है, डी डब्ल्यू सैचुरेटेड थिकनेस है, आर क्या हो जाएगा, थिकनेस जो होगा उसका 20 टाइम्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हो गया आर डब्ल्यू, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, मैक्सिमम डिस्चार्ज में यील्ड होगा थिकनेस के बराबर, अदर केस में ये होगा ड्रा डाउन के बराबर, ठीक है, याद रखना इतना ही चीज़ होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या सी बराबर होता है, देखो सी, सी को हम क्या बोलते हैं, अनड्रेन्ड सीयर भी बोलते, सी को हम अनड्रेन्ड सीयर बोलते हैं, क्यू अनकम्फाइंड बाई टू बोलते, क्यू अनकम्फाइंड बाई टू या फिर अनड्रेन्ड सीयर बोलते, ठीक है। तो ये देखो, टी वन इक्वल टू पाई अपॉन टी वन अपॉन पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर यहाँ पे एच बाई टू प्लस डी बाई सिक्स, पाई पाई डी स्क्वायर फिर एच बाई टू प्लस डी बाई सिक्स, ऐसा सी यू आ जाएगा, ठीक है। सी यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। सॉफ्ट क्लेम अनड्रेन्ड सीयर, अनड्रेन्ड सीयर मतलब क्या, सी यू, ठीक है, अनड्रेन मतलब सी यू, सॉफ्ट क्लेम अनड्रेन सीयर मतलब वही होता है, ठीक है। अब ये देखो सेंसिविटी क्या था, सूर सूर, तो सेंसिविटी इज इक्वल टू अनडिस्टर्ब बाउंड्री मॉडल्स, अनडिस्टर्ब, अब ये 1 से 4 की वैल्यू लाई होता है, ठीक है। सेंसिविटी कितना, 1 से 4 के बीच में लाई होगा, ठीक है। ये हो गया खत्म। अब इसमें देखो कुछ खास है नहीं, ई इक्वल टू ये हो गया, आई सी इक्वल टू एफ अपॉन ए, एल इक्वल टू इस पर, ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। ई हो गया, आई सी, आई सी इक्वल टू होता है जी माइनस ए वन प्लस सी, जैसे वी अपन वन प्लस सी होता है, आई सी होता है जी माइनस वन अपन वन प्लस सी, होगा यहाँ से ये आ गया, ठीक है। आई सी इक्वल टू एफ एफ यहाँ के आ गया। अब ये देखो क्वेश्चन हाइट ऑफ पॉइंट, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जो पैसिव, ये जो क्ले की वजह से ना, क्ले क्ले की वजह से दूसरे साइड में फोर्स लग रहा होता है, टू सी रूट अंडर के एफ पैसिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से एच करके तुम डेफ के निकाल लोगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा कितना, तो निकाल लो ऐसे, मतलब क्या, टू सी रूट अंडर के ए, टू सी रूट अंडर के ए जो स्ट्रेस है वो तुम्हारा पैसिव डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, पैसिव डायरेक्शन में लग रहा होगा, बस इतना ही इसमें काम का, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, सबसे पहली बात, पहला फॉर्मूला होता है गामा डी एफ, गामा डी एफ मतलब क्या, सर चार्ज यहाँ तक का वो, ठीक है। दूसरा में क्या है, ये मतलब बी सी इसके नीचे तक का, तो देख लो कहाँ है। पहली बात है कि वाटर टेबल ऊपर, वाटर टेबल हो तो दोनों में ऐड होगा, ठीक है। पहले फॉर्मूला देख लीजिएगा, तो 0.51 प्लस डी एफ बाई बी एल, 0.5 डी एफ प्लस बी, ठीक है। डी एफ या जो भी हो क्या होता है, टॉप से हम डेप्थ लेते हैं, टॉप से डेप्थ लेते हैं, ठीक है, याद रहे। इस केस में दोनों तो सेम ही है, तो ये हो गया 0.5, ठीक है। तो इस पूरे को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि ये और ये हो गया, ये पूरा सिचुएशन, इस ये भी इफेक्ट करेगा इसको भी, तो 0.5 0.5 दोनों को हो जाएगा, फुली है वो, है ना। तो फुली के केस में भी होता है 1 प्लस 2, ये हो गया, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में देख लो, ये पूरा होना चाहिए 2.5, बट 1.5 तक ही, तो 1/2 × 1 + 1.5 × 2.5, यहाँ से यह डाल गया, जिसको फर्क करा उसको वो कर दिया, ठीक है, क्यूनेट ये हो गया, ठीक है। बाकी चीज़ें पता है, अब ये देखना चाहते, हाँ ये देख लो, 10 सर स्ट्रोक और ये है, ठीक है। पर फॉर्मूला क्या होता है, ये देख लो, 3q/2πz²(1/1+r/z). अब r क्या होता है, r होता है लोड से इसका डिस्टेंस, मतलब 3√3 हो गया, ठीक है, 3q, तो √3 हो गया, यहाँ वैल्यू, और जेड की वैल्यू तुम्हें पता है, जेड की वैल्यू क्या होता है, डेप्थ होता है, जेड की वैल्यू होता है डेप्थ, यानी कि 6, ठीक है। तो ये हो गया, फिर से बोला हूँ, इस फॉर्मूले में आर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन लोड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन लोड होता है, लोड से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और जेड क्या होता है, डेप्थ उसका, सॉइल लेवल से डिफरेंट, ठीक है। आर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये होगा इसको वैल्यू कर, तुम्हारा वैल्यू आ गया ये, ठीक है, बस खत्म।